वैक्यूम राइटिंग का नर्सिंग एकेडमी, आज मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा यहाँ पे फिर से वैकेंसी जो है आ गई है और यहाँ पे जो है न्यू अपडेट जो है आने वाली है, ठीक है। तो हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, तो बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितनी भी न्यू अपडेट हो आप तक हो सके। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो CHO की वैकेंसी हो या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो या फिर रेलवे की वैकेंसी हो, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है लिखा गया है NHM के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर महोदया विश्वनगर NHM के अंतर्गत भारत सरकार के की PIPM ROP के अंतर्गत अनुमोदित एवं वित्त विभाग सरकार के ने अपकमिंग कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे सर्विस रूल्स के अधीन भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की जो प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वैकेंसी के बारे में दिया गया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे है, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो पहला जो है वो यहाँ प्रोग्राम का भी नाम दे दिया गया है RNTCP, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका DRTB सेंटर काउंसलर और बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप लाइन से, ठीक है। और डेंटल असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिक कंसल्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे सोशल वर्कर, प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर और इसके बाद है यहाँ पे और बहुत सारी हैं, ठीक है। साथ में आशा की भी पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, CHO की भी पोस्ट है। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये जो है टोटल जो देख सकते हैं टोटल कितना है, 666 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे आएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं NRHM, RBSK, NUHM के तहत ANM की पोस्ट है, जिसमें कि 1247 पोस्ट है, मतलब बहुत बड़ी यहाँ पर पोस्ट रहेगी ANM के लिए। साथ में UPSC में यहाँ पे ANM के लिए 811 पोस्ट हैं। साथ में आयुष में यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए 111 पोस्ट हैं। फिर RBSK में MO की 117 पोस्ट हैं, आयुष में कंपाउंडर की 155 पोस्ट हैं। उसके बाद नर्स की बात करें तो नर्स ग्रेड सेकंड में, नर्स ग्रेड सेकंड GNM में 1490 पोस्ट हैं, मतलब लगभग 1500 पोस्ट। इसके बाद नर्स NCD, CCU, SC, NCD में ग्रेड नर्स सेकेंड में GNM की 94 पोस्ट हैं। और GNM स्टाफ नर्स NPSC में यहाँ पे ग्रेड सेकेंड में GNM की 4 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की 52 पोस्ट, ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन की 84 पोस्ट, मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद है CSC NCD क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन की 9 पोस्ट है, और UPSC लेवल में लैब टेक्नीशियन की 125, और UCSC लेवल में लैब टेक्नीशियन की 9 पोस्ट हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो देख सकते हैं कितना कितने पोस्ट दिए गए हैं, सभी यहाँ पे RBSK, NVHCP, UPSC, फार्मासिस्ट, CSC में फार्मासिस्ट की टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्स की भी यहाँ पे 15 पोस्ट रहेंगी, टोटल यहाँ पे 4682 टोटल पोस्ट यहाँ पे रहेगी। साथ में CHO की भी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 3500 यहाँ पे जो है CHO की पोस्ट रहेगी। तो बहुत ही अच्छी ये राजस्थान वालों के लिए न्यूज़ है कि इतनी बड़ी जो है वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, CHO की पोस्ट रहेगी, ANM की पोस्ट रहेगी, GNM की पोस्ट रहेगी, साथ में पब्लिक हेल्थ नर्स की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, डेंटल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और MO, बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट में डाल सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर अपडेट आता है या फिर अभी ये जो फॉर्म है वो आने वाली है, अभी डेट इसका आया नहीं है, अगर डेट आ जाता है तो मैं इसके बारे में आपको तुरंत ही वीडियो बनाऊंगी और इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि डायरेक्टली आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म को फिलअप कर सको, ठीक है। तो ये थी पूरी अपडेट, और यहाँ पर ये भी दिया है
कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक विल बी प्रोवाइडेड बाय द NHM। ऑनलाइन में क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रायर टू एग्जामिनेशन टू विल कन्वर्ट इनटू टेस्ट पेपर इन प्री डिसाइडेड टेम्पलेट्स एंड द टेस्ट पेपर विल बी द इनक्रैप्टेड एंड सप्लाई टू एजेंसी फ्यू मिनट्स प्रायर टू एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है ना, इनकेस अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उस केस में भी यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, मल्टीपल सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये थी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।